रास्ते में सर्व हो चुका है हॉट वाटर। फटाफट हॉकिंग होगी और हमारी ट्रेन डिपार्ट। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी ग्रेट एंड आई एम आल्सो डूइंग वेरी गुड। तो जी आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ट्रेन जर्नी जो कि है 2221 हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस की जर्नी। फिलहाल अभी हम जो ये जर्नी करने वाले हैं ये होने वाली है हमारी कल्याण जर्नी। देखिए जो ट्रेन है वो आती है CSMT से। अभी इस ट्रेन का जो अराइवल टाइमिंग है वो है 4:46। तो देखते हैं, अभी वैसे तो हम ऑटो में हैं, पहुँचने वाले हैं, और हमारे साथ यू नो हमें जो ड्रॉप करने जा रहे हैं स्टेशन तक हमारे दोस्त सहपाठी, और आगे एक ऑटो उसमें भी हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कुछ यूँ ट्रेन की झलकियाँ दोबारा की राजधानी में सफ़र कैसा रहने वाला है। अगर आप कभी प्लान करते हैं तो कैसे जा सकते हैं कल्याण से यूँ दिल्ली तक। गाइस अभी फिलहाल हम आ चुके हैं प्लेटफॉर्म पे कल्याण जंक्शन के। इसका रहने वाला पहला राजधानी का सफर, तो एक्साइटमेंट लेवल क्या है आपका बताइए। अच्छा है, मतलब अब घर जाने की खुशी है, यहाँ से जा रहे हैं। मुंबई का सफर मतलब हो गया, अभी मुंबई हम टहल लिए, इसके बाद अब निकल चुके हैं हम अपने घर की तरफ। आप देखिए पीछे AC लोकल, दिल्ली मेट्रो के तरह एकदम AC लोकल कल्याण जंक्शन के ऊपर। इसकी जो प्राइस रेट है बहुत हाई है, दिल्ली मेट्रो से बहुत ही हाई, बहुत ज्यादा। यहाँ पे फर्स्ट क्लास का लोकल का क्या प्राइस है? 100 रुपए, और हमारे मैक्स जाते हैं 60 रुपीज फुल AC। एजेंसी हॉन्गकॉन्ग हो चुकी है और ट्रेन यू 7 मिनट डिले डिपार्चर यहाँ से होते हो। बाय गाइस। यू कैन सी अभी हमें ट्रेन फ्लैट यू नो 120 या 130 पे यू नो क्रूज करती है। फिलहाल में कल्याण जंक्शन से निकले हुए जस्ट अभी इसको 5 मिनट हुए मैक्स टू मैक्स, और इसने जब अपनी स्पीड पकड़ लिया ना वो मजेदार, मतलब अभी से ही यू नो थ्रिलिंग जो 120 वाला है वो स्टार्ट हो चुका है पैच। ये ट्रेन पुश पुल इंजन के साथ आती है, तो इसमें कोई ऐसा घाट पे कोई घाट सेक्शन में कोई इंजन यू नो ज्वाइन करने का कोई ऐसा सीन नहीं है। कसारा घाट जो पूरी वाला घाट है उस पर फुल एकदम मस्त मक्खन की तरह जाने वाली है। फिलहाल यू कैन सी इसमें आज जो हम ट्रेवल कर रहे हैं वो है 3rd AC। हमें जो कोच मिला है वो है B12। तो आपको एक बार दिखाते हैं B12 का इंटीरियर कैसा होने वाला है, 3rd AC राजधानी का इंटीरियर। यू कैन सी 3rd AC में भी आपको यू नो सेम राजधानी में सेम वही मिलता है 3x3, एंड साइड में साइड अपर एंड साइड लोअर, बाकी बॉटल होल्डर मिल जाएगा हर सीट पे, इधर और इधर भी है। बाकी हुक्स वही सेम टिपिकल जो रहते हैं, एक मिरर लेनन ऑब्वियसली मिलना ही है, एक राजधानी है तो लेनन तो जरूर मिलेगा। बट एक बेस्ट थिंग ये है कि 3 चार्जिंग सॉकेट इधर है, 3 इधर है, जो कि बेस्ट पार्ट है। हर सीट के लिए एक एक सेपरेट हो जाता है। एम्बियंस लाइट, AC भी डक्स काफ़ी अच्छा है, वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा है, और AC भी काफ़ी कूलिंग कर रही है हमें, राइट। यस, कर्टन्स भी काफी यू नो नीट एंड क्लीन, बाकी लेनन देखते हैं कितना नीट एंड क्लीन है। पिलो यस, चार्जिंग सॉकेट ऐसे 3-3 मिल रहे हैं हर सीट पे ना। बाकी ठीक है, लगेज वगैरह हमने यहाँ रख दिया है। यस, केटरिंग हमने ले रखी है जो कि हमें 400 रुपीज पड़ी है पर यू नो पैसेंजर के अकॉर्डिंग। तो अभी एक एक यू नो अभी सर्व हुआ है सिर्फ हमें वाटर बॉटल, वेलकम ड्रिंक आप कह सकते हैं इसे। बाकी अभी यू नो शाम का नाश्ता भी आएगा,
और जब तक हमारा कसारा घाट भी चालू होगा उसके बाद आएगा नाश्ता, तो इंजॉय करेंगे सम सिनेमैटिक्स। तो यू कैन सी अभी हमें अपना फर्स्ट मील शाम का स्नैक्स मिल चुका है। तो फिलहाल कल्याण से निकलने के बाद हमें आधा घंटा हो चुका है और उसके बाद तुरंत ही कल्याण से निकलने के बाद हमें एक वाटर बॉटल सर्व करी गई थी और उसके बाद हमें मिला है तुरंत इवनिंग स्नैक्स जो कि मैंने आपको दिखाया, काफी अच्छा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार यहाँ का एक टूर दे देता हूँ कि गेट से एंटर करते ही वॉशरूम एंड ऑल डस्टबिन कैसा होने वाला है। तो यू कैन सी यहाँ पे गेट से एंटर करते ही आपको एक यहाँ पे वॉश बेसिन मिल जाएगा जो कि अभी तो चली है ट्रेन तो वर्किंग कंडीशन में है, बाकी यहाँ सोप नहीं है। सामने मिरर, डस्टबिन वेल मेंटेन है, फायर एक्सटिंग्विशर है यहाँ पे, बाकी यू कैन सी यह इंडियन टॉयलेट और यू कैन सी सामने एक नीट एंड क्लीन मिरर है, काफी साफ सफाई काफी अच्छी है। सोप, ये सोप भी आ रहा है, वाटर रिफिल पूरा हो रखा है, मस्त एकदम पानी आ रहा है, पानी वेस्ट ना करे, मैंने आपको जस्ट चला के दिखाया। बाकी टॉयलेट की भी कंडीशन काफी अच्छी है, मैं दिखाऊंगा नहीं आप लोगों को क्योंकि होता है कोई ब्लॉग कुछ खाते पीते देखता है तो अच्छा नहीं लगता है। बाकी चलते हैं, हमारे स्नैक्स आ चुका है इवनिंग स्नैक्स, आपको एक बार उसका टेस्ट जरूर बताएंगे। ये ट्रेन 130-120 पे लगातार चले जा रही है तो थोड़ा हिलती है ज्यादा, क्योंकि यार मेंटेन एक स्पीड जब होती है तो थोड़ा ये है 19-20 का फर्क, बाकी ऑल गुड, राजधानी इज राजधानी। आइए एक बार चलते हैं और आपको रिव्यू देते हैं स्नैक्स का। सो यू कैन सी हमारा फर्स्ट इवनिंग स्नैक्स आ चुका है, एक बार मैं आपको क्विक रिव्यू दोबारा देता हूँ। ये हमें मिक्सचर मिल जाता है एक BTW का, इसमें एक कचौरी है, ये एक चीज सैंडविच है, एक पतीसा है, नोवा का अपने पास ड्राई मिल्क है, बॉम्बे चाय यू कैन सी, एक शुगर का सैशे, मिक्स करने के लिए स्टिक और एक केचप। जो हम पहले ट्राई करने वाले हैं वो है कचौरी, मैं आपको ट्राई करके बताता हूँ कि टेस्ट कैसा है। साइज यू कैन सी, बढ़िया चीज सैंडविच, हैव अ बाइट, नाइस, बढ़िया मजेदार। बाकी वेट करते हैं एक बार चाय आए, इन द हॉट वाटर आए तो एक बार रिमिक्स बनाते हैं चाय का, उसके बाद आपको चाय का भी टेस्ट बताते हैं बॉम्बे चाय। कसारा घाट आ चुका है, कसारा घाट का स्किप यू कैन सी, ये देखिए आप ट्रेन की स्पीड देखिए, मतलब हॉकिंग करते हुए जो ट्रेन सटासट निकल रही है ना, अब यहाँ से घाट सेक्शन चालू हो गया यू कैन सी। कसारा घाट राजधानी का बेस्ट पार्ट है, कसारा घाट घाट सेक्शन मजेदार ट्रिप पर, इंजॉय करिए आप हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं वर्चुअली। हॉट वाटर सर्व होते हुए डिप चाय, क्वाइट गुड, नॉट बैड, चाय और कसारा घाट तो मजा।
प्यारी जनता, यू कैन सी इगतपुरी का स्किप, राजधानी इगतपुरी पे नहीं रुकती है, ये है यू नो राजधानी के मजे। और यू कैन सी इंजन जस्ट हमारे आगे है, WAP07 मतलब फुल पुश इंजन के साथ चलती हुई, मजा आते हुए ट्रेन एकदम फ्लैट 120-130 स्पीड मेंटेन करती है। सनसेट भी क्या प्यारा हो रहा है, वाह। आप इन्होंने वर्चुअल एंजॉय कर रहे हैं हमारे साथ ये ट्रेन जर्नी, हजरत निजामुद्दीन राजधानी 22221। तो दी 22221 दो दिन का सफर करने के बाद मुंबई से नई दिल्ली हजरत निजामुद्दीन पहुंचती है, और ये पहुंचने में कवर करती है 1537 किलोमीटर की जर्नी। अभी फिलहाल हम नासिक पहुंचने वाले हैं, और नासिक ये कवर करती है 187 किलोमीटर, मतलब CSMT से नासिक का डिस्टेंस है 187 किलोमीटर। तो फिलहाल ये जो ट्रेन है ये कवर करती है 9 स्टॉपेज टोटल, CSMT टू हजरत निजामुद्दीन। तो फिलहाल अभी हम इसके थर्ड ऑफिशियल हॉल्ट पे पहुंचने वाले हैं नासिक जंक्शन, वहां पे आपको दिखाते हैं एक बार अराइवल और नासिक जंक्शन का डिपार्चर, नासिक रोड सॉरी। तो करीब आधे घंटे के डिले के बाद नासिक रोड पे हमारी राजधानी एक्सप्रेस पहुंच चुकी है। अरे वो कॉल डिले होने का कारण वही, वहाँ से थोड़ा बहुत डिले होकर निकली थी, काफ़ी यहाँ से मुझे लग रहा है सीटें फुल होने वाली हैं जिस हिसाब से लोग खड़े हैं यहाँ पे। अभी तो हमारा ये वाला यू नो पूरी सिर्फ 3 सीटें यहाँ फुल थी, बाकी सामने पैसेंजर भी जा चुके हैं, लोअर बर्थ भी खाली है, अपर भी खाली है, यहाँ की यूँ सिर्फ 3 बर्थ हमारी अवेलेबल थी। आई होप यहाँ पे ये फुल हो जाएगी और दिल्ली तक यू नो हमारे को पैसेंजर्स और बढ़ जाएंगे। हमारे को पैसेंजर्स आए और हमें डिनर भी यू नो इसके बाद ही थोड़ी देर बाद चलने के बाद सर्व करा जाए, जैसा भी होगा आपके सामने होगा दिखाते हैं। बाकी मैं तो अभी लेट गया था, मेरे को पैसेंजर ने बताया कि नासिक आ चुका है, तो हम फटाफट आए और आपके लिए लग गए काम पे। यू कैन सी नासिक रोड से डिपार्चर, स्पीड यूनिट तुरंत पकड़ लिए, 2 मिनट का हॉल्ट था यहाँ पे। तो जी 22221 राजधानी हजरत निजामुद्दीन का खाना आ चुका है हमारे सामने, हमने यहाँ की केटरिंग से ही खाना लिया है, केटरिंग की प्राइसेस 400। तो अभी रात का डिनर थाली आ चुकी है हमारे पास, तो जो हमें थाली मिलने वाले सबसे पहले तो यू नो चपाती, इसमें 3 चपाती रहने वाली हैं। उसके बाद यू नो यहाँ पे लिखा वंदे भारत, पैकिंग शायद ये सिर्फ कार्डबोर्ड है वंदे भारत का, पनीर की एक डिश मिलने वाली है, एक दाल फ्राई है, एक राइस है, और एक यू नो ड्राई वेज एक सब्जी है, और एक दही मिलेगा उसके साथ में, एक पिकल है, एक टिश्यू है, और यू कैन सी नमक। बाकी एक स्वीट नहीं मिला है, स्वीट के लिए यू नो हमारे पास जो स्नैक्स आया था शाम को उसमें एक पतीसा था, वो हम स्वीट के तौर पर खाएंगे। तो एक बार इसका रिव्यू करते हैं, एक बार आपको इसकी रंगत चेक करवाता हूँ मैं खोल के। तो क्वांटिटी वाइज तो दाल की क्वांटिटी थोड़ी कम लग रही है मेरे को, सब्जी की भी ठीक ही क्वांटिटी। एक बार टेस्ट करते हैं, पहले पनीर ही टेस्ट करेंगे हम राइस के साथ। पनीर थोड़ा टाइट है बट ग्रेवी ठीक है, चलने लायक है। सब्जी थोड़ी ठंडी हो रखी है, शायद इन्होंने कल्याण नासिक से ही इन्होंने डिनर बोर्ड करा होगा इसकी वजह से। दाल बढ़िया है, गर्म नहीं है, थोड़े हल्का हल्का यू नो जैसे वार्मनेस है थोड़ा सा, पूरा गर्म नहीं है खाना, ठीक है। बाकी ये जो डिनर है
चलने लायक है, इसे निपटाते हैं। बाकी भी रात हो चुकी है, हमें सर्व डिनर का रह गया है 7:30 बजे, थोड़ा काफ़ी जल्दी है लेकिन ठीक है। ये आ चुकी है हमारी डिजर्ट, खाने के बाद आइसक्रीम है। मोर दिल मांगे मोर। मुझे 420 किलोमीटर की जर्नी तय करने के बाद हमारी ट्रेन जलगांव जंक्शन पर पहुंच चुकी है। तो अभी टाइम हो रहा है 9:04, तो फिलहाल अभी जो हमारी ट्रेन वो थोड़ी डिले चल रही है, डिले है कम से कम 15 से 18 मिनट। हमारे लोगो पायलट भी चेंज हुए हैं, यू के सी लोगो पायलट चेंज, ड्यूटी चेंज, अभी लोगो पायलट दूसरे चढ़े हुए हैं। तो फटाफट हॉन्किंग होगी और हमारी ट्रेन डिपार्ट करेगी जलगांव जंक्शन से। तो जी जलगांव जंक्शन से निकलने के बाद हमारी ट्रेन ने दोबारा पकड़ ली है रफ्तार और फिलहाल अभी यू नो टाइम हो रहा है रात के 9। इसके बाद कोई स्टेशन आने नहीं वाला, अगले दिन एक स्टेशन आएगा जो कि है भोपाल जंक्शन। भोपाल जंक्शन मेरे लिए कवर करना थोड़ा मुश्किल हो पाएगा क्योंकि वो मिडनाइट में आने वाला है, करीब 1:55 पर आएगा नेक्स्ट डे। अभी फिलहाल चलता हूँ सोना और मिलता हूँ आपको मॉर्निंग। मॉर्निंग फ्रॉम ग्वालियर। 1227 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद हम ग्वालियर जंक्शन पहुंच चुके हैं। ग्वालियर जंक्शन पहुंचने का ट्रेन का टाइम है 6:07, लेकिन अभी हम यहां पर 7 मिनट डिले पहुंचे हैं। और यहां पर इस ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है सिर्फ 2 मिनट। हॉन्किंग हो चुकी है और ट्रेन निकलने को तैयार। यस यू कैन सी, आप इंजॉय करिए डिपार्चर फ्रॉम ग्वालियर जंक्शन। का ब्रेकफास्ट झांसी से बोर्ड कर लिया गया और हमको उन्होंने दे दिया गया। यू कैन सी सेम प्लेटर दिया गया है, तो इसमें हमें मिला है आलू बोंडा, एक इसमें है पोहा डिश, मतलब पोहा की एक डिश है, बाकी एक मैंगो जूस है, सेम एक मिक्सचर मिला है, एक स्पून और यू नो टी का प्री मिक्स मिला हुआ है, एक टमाटो केचप और इसके लिए एक स्ट्रॉ और एक टिश्यू, बस यही है। इसको एक बार आपको टेस्ट करके जरूर बताते हैं इसका टेस्ट कैसा रहने वाला है। तो जो हमने चाय का प्रीमिक्स तो बना लिया है, चाय ऑलवेज यू नो एज ऑलवेज अच्छी है। झांसी से बोर्ड हुआ पोहा, एक बार टेस्ट करते हैं झांसी का पोहा। सो है कांदा, कांदा पोहा नहीं है इसमें, कांदा है नहीं, प्याज नहीं है मतलब। अब नेक्स्ट टेस्ट करते हैं आलू बोंडा, दो पीस है आलू का वड़ा है, वड़ा पाव वाला। जी हाँ जी, तो ब्रेकफास्ट क्वाइट गुड है, फीडबैक हमने भर दिया कि वॉशरूम्स काफ़ी नीट एंड क्लीन थे। तो बाकी ठीक है, अब इंजॉय करते हैं क्योंकि चाय भी ठंडी हो जाएगी। बाकी आप वर्चुअली हमारे साथ जर्नी कर ही रहे हैं इस राजधानी 3rd AC कोच में। अभी फिलहाल आगरा आने वाला है, तो अभी आपको आगरा का अराइवल और डिपार्चर जरूर दिखाएंगे, उसके बाद हजरत निजामुद्दीन।
1351 किलोमीटर की जर्नी कवर करने के बाद हमारी ट्रेन आगरा छावनी पहुंच चुकी है। आगरा छावनी का स्टेशन कोड है AGC और यहाँ पे ट्रेन का पहुंचने का टाइम है 7:30 बजे, लेकिन हमारी ट्रेन यहाँ पे फिलहाल 7 मिनट डिले पहुंची है। आगरा का आपको यू नो पता ही है, आगरा की फेमस स्वीट है आगरा का पेठा। यू कैन सी स्टेशन पे काफ़ी यू नो वेंडर्स आगे सेल करते हैं और लोग यू नो बड़े चाव से पेठा यहाँ पे खरीदते हैं और फेमस है इसलिए। नेक्स्ट स्टॉप इसका हजरत निजामुद्दीन ही रहने वाला है, इसलिए काफ़ी कम पैसेंजर्स ने यहाँ से बोर्ड किया है। तो जी अपनी NZM राजधानी 2211 1537 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर हजरत निजामुद्दीन अपने यू नो ऑफिशियल टाइम से 5 मिनट डिले पहुंची है। मतलब इसका यहाँ पहुंचने का ऑफिशियल टाइम है 9:55, लेकिन ये यहाँ पे करेक्ट 10 बजे सुबह पहुंची है। तो मतलब आप इस ट्रेन की पंक्चुअलिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ट्रेन कितनी पंक्चुअल है। मतलब 5 मिनट डिले कुछ ऐसा कुछ खास बड़ा डिले नहीं है, लेकिन राजधानी के लिए यू नो थम्स अप। हमारे को पैसेंजर से भी आपको एक बार इस ट्रेन का फीडबैक दिलवाते हैं। यू कैन सी काफ़ी यू नो कुली वगैरह यहाँ पे इजीली मिल जाएंगे। आपकी इस ट्रेन की जर्नी मतलब एक्सपीरियंस कैसा रहा, एक बार शेयर कर दीजिए जनता के साथ। रात में सोई है, सुबह दिल्ली पहुँची है। क्या मतलब जर्नी है, मुंबई टू दिल्ली, बढ़िया ट्रेन चकास। तो इनसे पूछ लेते हैं कि आपको अभी ये राजधानी का ट्रैवल कैसा लगा, आप एक बार पटपट की रिव्यू दे दीजिए। अच्छा था, मुझे को तो ओवरऑल अच्छा था। सफाई एंड ऑल कैसी थी? सब अच्छा था, वॉशरूम भी था ठीक ठाक, नीट एंड क्लीन था, और जो खाने का भी था वो सब अच्छा था। केटरिंग भी बढ़िया था। ऐसा कुछ मतलब डिसअपॉइंटमेंट तो नहीं? नहीं, ऑन टाइम भी पहुंचे ट्रेन। ऑन टाइम है, हां ऑन, सबसे बेस्ट पार्ट ऑन टाइम है, क्योंकि ज्यादा टाइम हमारा बहुत पोपट हुआ। वो डायवर्टेड थी ट्रेन। तो जी बस यही है, अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं ऐसे बड़े से अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट लाइफ, बाय बाय।